वालेकुम दोस्तों क्या हाल जी इद इंशाल्लाह सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम एक बहुत ही मशहूर ब्रांड की क्रीम का रिव्यू करेंगे जिसे हम कहते हैं जी फायज़ा ब्यूटी क्रीम बहुत से लोग इसको जानते हैं तकरीबन सारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चलती है और इसकी डिमांड भी है लेकिन मैंने यूट्यूब पर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं गूगल पर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं रिव्यूज़ पढ़े हैं उसमें जो रिज़ल्ट है वो तो लोग ले लेते हैं पंद्रह बीस दिन में लोगों को रिज़ल्ट मिल जाता है वाइटनिंग हो जाती है हाइपर एगमेंटेशन मिलाजमा स्ार ये सारे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको शिकायत होती है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है ठीक है कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है बम्पी हो जाती है स्केली हो जाती है और उसके अलावा रेड हो जाती है और ब्लैक हो जाती है ये सारे मैंने इस पर पढ़े हैं ठीक है तो सोचा इस पर इंशाल्लाह इन, वीडियो बनाते हैं कि लोग कहते हैं इसमें स्टीराइड है लेकिन जहाँ तक इसके है मैंने सारे पढ़े हैं इसमें स्टीडर्ड नहीं है स्टीडर्ड नहीं है लेकिन मसला ये है कि लोग इसको, इसको इस्तेमाल गलत करते हैं और जो रिज़ल्ट मिलता है उसके बाद उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ठीक है जिसकी वजह से वो दोबारा वो ब्लैक हो जाता है हाइपरकमेंटेशन हो जाती है तो आज हम इसका कम्प्लीट रिव्यू करेंगे कि इसमें इन्ग्रीडियंट्स कौन से हैं और इसका तरीका इस्तेमाल सही क्या है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं Uh, दोस्तों इसमें जो आते हैं इन्ग्रीडियंट इन्ग्रियंट इन्होंने डाला हुआ है इसमें विटामिन ए है ठीक है पहले नंबर पे ये विटामिन ए होता है एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है एंटी एजेंग होता है ये जो हाइपरपेंटेशन होती है डार्क स्पॉट्स होते हैं इसको रिमूव कर देता है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है नीचे से नई जल्दी निकलती है ये बहुत अच्छी बात है इसमें विटामिन ए है दूसरे नंबर पर इसमें विटामिन ई है जो कि मॉइस्चराइज़र होता है ठीक है एंटी होता है तीसरे नंबर पर इसमें विटामिन बी फाइव है जो कि पेंथिनॉल होता है ये आपकी जो स्किन है इसको अंदर से मॉइस्चराइज करता है सेलुलर लेवल पे ठीक है और आपकी स्किन को प्लंप देता है इसमें विटामिन बी थ्री है जिसे हम नियोसिनाइड कहते हैं निय और साथ में ये जो आपके ऑयल बैलेंस होता है उसको बैलेंस करता है ना ऑयल ज़्यादा होने देता है और ना कम होने देता है उसको बैलेंस करता है इसमें चौथे नंबर पर होता है कोजिक एसिड जो सबसे अहम बात है जो कोजक एसिड होता है ये आपकी जो स्किन में हाइपरपमेंटेशन बनने का अमल होता है मेलन पिगमेंट बनने का अमल होता है उसको रोकता है आपके जब मेलानोसाइट्स मेलन में कन्वर्ट होते हैं तो उसको स्टॉप करता है और हाइपरपमेंटेशन बनने नहीं देता है। इसमें और इसमें वैक्स है नेचुरल वाइट वाइट ऑयल है और वैजिलीन टाइप है तो वो तो सारे हैं ये सारे केमिकल हैं लेकिन ये इसमें स्टीरॉइड कहीं नहीं है उन्होंने डाला हुआ जहाँ तक इनकी ऊपर लिखा हुआ है ये इन्ग्रीडियंट है ठीक है अगर ये इन्ग्रीडियंट है तो बहुत अच्छे हैं इसमें स्टीरॉइड नहीं लेकिन हमारा तरीका जो वो गलत है इस्तेमाल करने का अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है जिसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट इंशाल्लाह नहीं होंगे पहले नंबर पर तो अपना फ़ेस किसी अच्छे फेस वाश से धो लें मार्केट में बहुत से फेस वाश मौजूद हैं फेयर एंड लवली है, है गार्नियर है किसी भी किस्म का ले लें उससे आपने रात को धो लेना है उसके बाद ड्राई करके टिशू से ड्राई करके आपने अगर पूरे फेस पे लगाने हैं तो पी साइज़ ले लें बिल्कुल थोड़ी मोटर लेनी है आपने ठीक है ये नहीं कि आप ऊपर तैर लगा के सो सोचें नहीं ऐसा नहीं है पी साइज ले लें चने के दाने के बराबर ले लें और तो उसको पूरे फेस पे लगा लें थोड़ी थोड़ी और आपने इसको सिर्फ चार घंटे लगाएँ तीन से चार घंटे लगा के उसके बाद फेस धो लें ठीक है सुबह में क्या करें कि सुबह में अपना फ़ेस धो के उसके बाद अगर ऑयली स्किन है आपकी तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं जिसमें ऑयल ना हो ठीक है जेल टाइप लगा लें एलोवेरा जेल लगा लें कोई भी लगा लें जिसमें ऑयल ना हो वरना आपको पिपल निकलने का मसला हो सकता है जो ड्राई स्किन वाले हैं वो कोई भी लगा सकते हैं ठीक है उनका ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा मसला होता है कि वो अगर क्रीम को लगाएंगे जिस तरह थिक क्रीम होती है तो वो उनका मसला बन जाता है लेकिन उसके बाद अमल जो होता है वो होता है सनस्क्रीन का सनस्क्रीन आपने लाजमी लगानी है सनस्क्रीन को आपने नहीं छोड़ना वरना जो आपका जो रेडनेस है ये जो आपकी ब्लैक स्किन हो जाती है जो सन रेज होती हैं ये सबसे बड़ा मसला होती हैं आप में एजिंग का और स्किन बर्न का और हाइपर गटेशन का आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है कोई भी वाटनिंग क्रीम आप लगाएं फ़ायदा है कोई भी फार्मूला वाल क्रीम या मिक्स क्रीम लगाते हैं तो अपने फेस पे जब भी बाहर निकलें तो फेस पे सनस्क्रीन लाजमी लगाया करें ठीक है वो आपका जो ना मसला हल हो जाएगा ठीक है फेसवा सनस्क्रीन आपको कहीं से भी फार्मेसी अच्छी फार्मेसी से मिल जाते हैं या ऑनलाइन दराज से अमेजोन से मिल जाता है वो चार सौ से ले कर दो हज़ार तक भी है कोई भी आप ले सकते हैं अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री ले लें ड्राई स्किन है तो कोई भी ले लें ठीक है बाद में तो आती है साइड इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स में स्टीरॉइड नहीं है जहाँ तक उन्होंने लिखा हुआ है स्टीरॉइड नहीं है इसमें सिर्फ हमारे लगाने का मसला है कि उसकी वजह से हमारी रेडनेस होती है उसके साइड इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं कि स्किन रेड हो जाती है आपने इसको सिर्फ चार घंटे लगाना है और दिन में सनस्क्रीन लाजमी लगाएं तो ये आपका मसला हल हो जाएगा बाखर में बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा जी फ़ाइज़ा क्रीम असली है कि नकली है ठीक है इसकी भी बड़ा मसला है तो आप इसका ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो देख लें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है टू टू थ्री वन नाइन ज़ीरो आप ये ले लें और उसके बाद या फिर इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है ग्रे कलर का आप उसको रिमूव करके अंदर से कोड निकलेगा आप उसको एट थ्री टू सिक्स पे सेंड करके देख लें वो आपको रिप्लाई आ जाएगा ये असली है या नकली है तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाइयों को पता चल गया होगा कि इसका रिव्यू क्या है और ये साइड इफ़ेक्ट्स किस वजह से होते हैं कि हम इसको, इसको इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है जहाँ तक उन्होंने ग्रीन में लिखा हुआ है ठीक है कोई स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमारा तरीका इस्तेमाल गलत था किसी भाई किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉमेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपका शुक्रिया अल्लाह हाफिर आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाम